अस्सलाम वालेकुम। समर में हम सबकी स्किन बहुत ही टैन होना शुरू हो जाती है और हमारे बहुत ही डार्क स्पॉट्स शुरू हो जाते हैं स्वेटिंग की वजह से। तो उसके लिए मैंने रोजेस को यूज़ करके बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, होम रेमेडी तैयार की है जो बहुत ही आपको अफेक्ट देगी। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने फ्रेश रोजेस लिए हैं जिनके पेटल्स मैंने इनसे अलग कर लेने हैं। तो हमें फ्रेश रोजेस चाहिए, ठीक है। और हाफ कप मैंने लिया है मिल्क और इसमें यूज़ किया मैंने एलोवेरा जेल। तो इसको कैसे रेडी करना है इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियोस देखें, क्योंकि आप कुछ भी आपका स्किप ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर लाजमी करें। तो मैंने ये रोजेस के पैटर्न्स अलग कर लिए हैं, एक एक करके इसको अलग कर लें। बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है ये, आप लोग इसको बना के रख सकते हैं और तकरीबन एक हफ्ते के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है, आप इसको घर में खुद से रेडी कर सकते हैं और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इस रेमेडी से हमारी स्किन बहुत ही फ्रेश नज़र आने लगेगी और हमारी स्किन के जो टैन पैचेस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं वो भी हम लोगों के इससे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको इसको डेली यूज़ करना है। स्किन को फ्रेश करने के लिए हमें रेमेडीज़ के अलावा स्किन के अंदर की भी, बॉडी के अंदर की भी हाइड्रेशन को दूर करना होता है, इसलिए हम लोगों को उसके लिए पानी की मिकदार इस मौसम में ज़्यादा कर देनी चाहिए। अगर आपको पानी अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें कोई भी फ्लेवर ऐड करके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से इसको मैंने मतलब ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको क्यूब ट्रे में डाल रही हूँ और क्यूब ट्रे में डालने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीजर में रख दूँगी। और जब ये 3 से 4 घंटे के बाद क्यूब्स रेडी हो जाएंगे तो आपने इसकी एक क्यूब को लेके अपने पूरे फेस पे आप लोगों ने इसका अच्छे से मसाज करना है। तो इसके मसाज करने के बाद जब आपकी ये ख़त्म हो जाए बर्फ़, तो आपने इसको हाथ से मसाज करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए और फिर आप अपनी स्किन देखिएगा बहुत ही फ्रेश और ग्लो नज़र आने लगेगी। आई होप कि आपको मेरी रेमेडी पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियोज़ के बारे में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।